गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप लुक। इजी सा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है। इजी सा मेकअप लुक है, हर कोई ट्राई कर सकता है, हर कोई कर सकता है प्रैक्टिस करने के बाद। कई लोगों ने मुझे बोला था कि मेकअप लुक शेयर कीजिए आप, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेकअप लुक शेयर करती हूँ। तो मैंने एक्चुअली देखा जाए तो मैंने रेड साड़ी मेकअप लुक शेयर किया है। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, मेकअप पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मेकअप शुरू करते हैं। मेकअप शुरू सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर स्प्रे भी आप कर सकते हो या ऐसे ही आप लगा सकते हो। मेरे पास गुलाबरी का है तो मैं नॉर्मली हाथ में लेके लगा रही हूँ। रोज़ वाटर लगाने से क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहती है, साथ ही साथ ग्लोइंग दिखती है। तो सबसे पहले रोज़ वाटर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रोज़ वाटर इस तरीके से आपको लगा लेना है और हल्के हाथों से लगाना है। आपको ऐसा दिख रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा घस रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। तो इसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। ये हुडा ब्यूटी का प्राइमर है। मेरे पास ज़्यादातर प्रोडक्ट हुडा ब्यूटी के ही हैं। तो रोज़ वाटर के बाद आपको अप्लाई करना है प्राइमर। प्राइमर जो होता है वो आपके स्किन के पोर्स को छोटा कर देता है, जिससे आपकी स्किन स्मूथ दिखती है। साथ ही साथ जो भी हम मेकअप अप्लाई करते हैं, जैसे कि फाउंडेशन वगैरह, तो वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता, जिससे दाने वगैरह निकलने का डर नहीं रहता है। और प्राइमर के बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन के को मॉइस्चराइज रखने के लिए। मॉइस्चराइज़र मैंने प्राइमर के बाद इसीलिए अप्लाई किया है कि मॉइस्चराइज़र भी हमारी स्किन के अंदर ना जाए बाहर से ही, क्योंकि हमें मेकअप को अपने सेट रखना है। मेकअप हमारा पैची नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैंने प्राइमर के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। तो मॉइस्चराइज़र के बाद आपको 5 मिनट वेट करना है कि मॉइस्चराइज़र अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना फाउंडेशन। तो यहाँ पर मैंने लिया है लैक्मे का फाउंडेशन। ये भी आपकी स्किन को जो है अच्छी कवरेज दे देता है। नॉर्मल शादी पार्टी के लिए आप लैक्मे का फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मैं डॉट्स बना रही हूँ। तो कंसीलर मैंने अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कंसीलर की मुझे ज़रूरत है। भगवान की दुआ से अभी तक मेरे फेस पर ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने कंसीलर नहीं अप्लाई किया है, मैं सिर्फ फाउंडेशन ले रही हूँ। तो फाउंडेशन डॉट्स बना के इसलिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि दोनों साइड इक्वली लगे, इधर उधर ना लगे। और फाउंडेशन हमेशा आपको अपने नेक और कान पे भी लगाना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी फेस जो है आपका एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखे और नेक आपका अलग दिखे, दोनों सेम दिखना चाहिए। इसलिए आपको अपने नेक और कान पे भी फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रश की हेल्प से मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। आप ब्रश से लगा सकते हैं, हाथों से भी इजीली लग जाता है, लेकिन ब्रश से कवरेज बहुत अच्छी आती है और इक्वली स्प्रेड हो जाता है फाउंडेशन। तो यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ आप कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छे से फाउंडेशन लग जाता है। तो ये देखिए, मैं हर जगह पे अपनी हेयर लाइंस पे भी फाउंडेशन, और मैंने आँखों के नीचे भी अप्लाई किया है और आँखों के नीचे भी। आँखों पर क्या होता है, कंसीलर या फाउंडेशन अप्लाई करने से जब हम आई मेकअप करते हैं अपने, तो आई मेकअप अच्छे से हो जाता है, इधर उधर बिखरा बिखरा सा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने अपने नेक पे और कानों पे भी फाउंडेशन अच्छे से लगा लिया है। देखिए, मैं अपने कानों पे भी यूज़ कर रही हूँ ताकि कान का कलर अलग ना दिखे। तो आपको अच्छे से लगा लेना है। मैंने यहाँ पे लिप्स पे भी फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि जब आप लिप्स पे फाउंडेशन अप्लाई करते हो, तो आप जब लिपस्टिक यूज़ करते हो तो आपकी लिपस्टिक जो है वो बहुत अच्छा, यानी कि जो आपका एक्चुअल लिपस्टिक का कलर है वो आता है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो अपने लिप्स पे फाउंडेशन ज़रूर अप्लाई करें, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी लिपस्टिक का एक्चुअल कलर आए, तो फाउंडेशन लगा के लिपस्टिक लगाइए। नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए मेरे पास ये देखिए कॉफ़ी यानी कि चॉकलेटी कलर की लिपस्टिक है, तो मैं इसी से कॉन्टोरिंग करूँगी। कानों के पास से इस तरीके से आपको लाइन ले लेनी है और अपने हेयर लाइंस पे। तो इसको भी हम ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे।
कॉन्टोरिंग करने से क्या होता है, आपका फेस जो है वो थोड़ा सा पतला दिखता है और सेट दिखता है, तो कॉन्टोरिंग भी करना चाहिए अगर आपको पसंद हो तो। तो अभी जो ये मेरा फेस थोड़ा सा रेडिश रेडिश दिख रहा है, इसको हम कवर करेंगे लैक्मे एब्सोल्यूट के कॉम्पैक्ट से। तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं जो भी अफोर्डेबल प्राइस के हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वही अप्लाई कर रही हूँ, कुछ भी बहुत महंगा नहीं यूज़ किया है मैंने। तो यहाँ पे मैं ये कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ ब्रश से ताकि मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। जो रेड रेड दिख रहा है फेस वो पूरी तरह से कवर हो जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गया था। मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश भी जो मैंने यूज़ किया है वो है हुडा ब्यूटी का, ज़्यादातर प्रोडक्ट मेरे हुडा ब्यूटी और लैक्मे के ही हैं। तो कॉन्टोरिंग हो चुकी है, कॉम्पैक्ट लग चुका है, तो थोड़ा सा मैं मेरे नोज़ को भी टिंट कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से ही कंटूरिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे नोज़ पे इतना वो लगता नहीं है, थोड़ा सा बहुत हल्का हल्का सा किया है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कंटूरिंग। नोज़ को भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है। सो अब बारी आती है हाइलाइटर की, रोज गोल्ड कलर का हाइलाइटर है ये। तो और कुछ नहीं यूज़ किया है कोई भी पैलेट अपने चीक्स पे, क्योंकि जो मेरा लिपस्टिक का कलर था जिससे मैंने कंटूरिंग की थी उससे थोड़ा सा रेडिश ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए मैंने और कुछ नहीं यूज़ किया है, डायरेक्ट हाईलाइट किया हुआ है। तो हाइलाइटर इस तरीके से दोनों चीक्स पे और नोज़ और अपने चिन को हाईलाइट किया है मैंने, और थोड़ा सा फोरहेड पे। तो अब बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए मैंने लिया है ये लंडन गर्ल का आई पैलेट है ये, इसे मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने बेस के लिए मैंने ये देखिए स्किन कलर का एक वो लिया है पैलेट बेस सेट करने के लिए। अब आई मेकअप है तो वो मैं कैमरे में देख के तो कर नहीं सकती, इसके लिए मुझे चाहिए, तो मैंने हाथ में लिया है शीशा, इसके थोड़ा सा बेस सेट करूंगी मैं ताकि हमारा पैलेट अच्छे से लग जाए। तो हाफ आइज़ पे ही मैंने किया है। तो अब मैं लूँगी रेड कलर का, रेड साड़ी मैंने पहनी हुई है तो यहाँ पे मैं रेड कलर का पैलेट चूज़ कर रही हूँ आई शेडो। तो ब्रश की हेल्प से हम लगा लेंगे, इजीली लग जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है ये पैलेट। आइए आई शेडो पैलेट काफ़ी अच्छा है, बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है। बस आपको जब भी आप आई मेकअप करते हो तो आप ब्रश जो भी लो जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करोगे उतने अच्छे से आपका आई मेकअप होगा। तो आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड करते रहना है। एक बार भी आप यूज़ लगा रहे हो उसके बाद आप उसको अच्छे से अगर ब्लेंड करोगे तो ईज़िली ब्लेंड हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा आई शेडो है ये देख रहे हैं आप। तो आपको सिर्फ ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से एक बार यूज़ करने के बाद। अब इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ा सा वाइट कलर का ताकि ये ईज़िली सेट हो जाए, बिखरा बिखरा सा ना लगे।
सो यहाँ पे मैंने दोनों आँखों में कर लिया है और मैं थोड़ा सा अपने आईब्रोज़ को उभारने के लिए वाइट कलर से नीचे सेट कर रही हूँ। आईब्रोज़ के नीचे वाइट कलर की एक पतली सी लाइन जिससे आपके आईब्रोज़ निखर उभरे उभरे दिखेंगे। और ये आई शेडो जो था वो बहुत सिंपल था, तो इसको मैं थोड़ा सा शिमरी लुक दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शिमरी पैलेट लिया हुआ है, सेम पैलेट है, उसी में थोड़ा सा जो कलर है वो थोड़ा सा शिमरी है, देख लीजिए। आईज़ के ऊपर मैंने अप्लाई किया है और इसी पैलेट से अब मैं, तो आई शेडो लग गया है, अब मैं फिलअप करूँगी अपने आईब्रोज़। तो यहाँ पे मैं मेरे आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ, क्योंकि आप मेकअप करते हो तो आईब्रोज़ फिल करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आईब्रोज़ काफ़ी लाइट दिखती हैं। सो आईब्रोज़ के लिए भी मैंने उसी पैलेट से ब्लैक कलर चूज़ किया है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है, पूरा ब्लैक नहीं है। तो इस तरीके से मैं आईब्रो फिल कर लूँगी लाइट लाइट सा, एक थोड़ा सा डार्क हो गया है और एक लाइट हो गया है, आपको दिख रहा है। अभी मैं इसको सेट करती हूँ। अभी आईब्रोज़ फिल हो चुके हैं बट एक मुझे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, तो मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। दोनों ब्लेंड 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 करेंगे तो आईब्रोज़ अच्छे से फिल हो जाते हैं। और उसी तो अब मैं यूज़ करूँगी आँखों पर लाइनर, ये देख रहे हैं आप, लाइनर मैंने लगा लिया और अब यूज़ कर रही हूँ मैं मस्कारा। लाइनर मैंने बहुत डार्क नहीं लगाया है, बहुत लाइट सा लाइनर लगाया है। लाइन मैंने लगा लिया था ऑफ कैमरा, मैंने लगा लिया था लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, मेकअप फिक्सर भी हमारा हुडा ब्यूटी का है। मेकअप फिक्सर पूरे मेकअप के बाद फिक्सर यूज़ करने से आपका मेकअप जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपने आई मेकअप कर लिया है तो थोड़ा सा आईज़ को कवर करने के बाद ही आप फिक्सर यूज़ करें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मेकअप फिक्सर जो है वो क्या आई मेकअप को ख़राब भी कर सकता है। तो मैंने काजल नहीं यूज़ किया था और काजल तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे मैं काजल यूज़ कर रही हूँ। काजल जो है वो हमारा है ब्लू हिवन का, तो ब्लू हिवन का मैंने काजल यूज़ किया है। जी सी क्रेजी गर्ल का मस्कारा यूज़ किया है, मस्कारा एंड कलर टू दोनों हैं। तो ये मेकअप कम्प्लीट हो चुका है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, आई होप कि आप सबको मेकअप पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेकअप पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेकअप कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।